वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज, एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर। देखिए, लगातार अपने द्वारा प्रयास किया जा रहा है, हम सभी लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है वेटिंग लिस्ट को लेकर। तो गाइज, हमने आपको बताया था कि जैसे ही हमें गोरखपुर में जनता दरबार के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, आप तक हम वीडियो के माध्यम से बता देंगे। और आप सभी लोग जो भी गोरखपुर के कैंडिडेट हैं, जिन्होंने यूपी एनएचएम 17,000 का पेपर दिया था और उनका नाम वेट लिस्टेड में है और आप गोरखपुर के हैं, दूर के लोगों के लिए मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो जानकारी मिली है ये 90% सच हो सकती है, 10% सच नहीं हो सकता, क्योंकि उनका कोई भी ऑफिशियल लेटर वगैरह ये चीज़ें नहीं जारी किया जाता है कि सीएम जी इस दिन आ रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक सिस्टर हैं, उनके रिलेटिव कांस्टेबल हैं यूपी पुलिस में और वहीं पे गोरखनाथ मंदिर पे उनकी ड्यूटी लगी हुई है। तो उनके द्वारा जानकारी मिली है कि सीएम जी 6 जुलाई को आ रहे हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उन्होंने ये भी बताया है कि ये कंफर्म है कि 6 जुलाई को आ रहे हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप लोग सुबह 6 बजे से आ जाइएगा, तभी मुलाकात हो पाएगी। तो गोरखपुर के जो भी कैंडिडेट हैं, प्लीज़ आप लोग चले जाएं, वहाँ पे अगर सीएम जी आते हैं तो मुलाकात कर लें। दूर के लोग मत जाएं, जो गोरखपुर के लोग हैं वही लोग जाएं, ठीक है, ताकि वो एक घंटे में जाके फिर एक घंटे में वापस आ जाएं, 1-2 घंटे के अंदर, मतलब दिन भर में जाके फिर वापस आ जाएं, कहने का मतलब ये है। और दूर के लोग जाएंगे तो फिर एक दिन पहले जाना पड़ेगा, फिर उनको आना पड़ेगा, दूर का सफ़र करने में वैसे ही, और हम लोग जान ही रहे हैं बेरोज़गार लोगों के लिए 1-1 रुपये क्या मायने रखता है। तो इसलिए बोले, गोरखपुर के जो भी कैंडिडेट हैं प्लीज़ आप लोग चले जाइए, ठीक है। अगर सीएम जी मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है भैया, ज्ञापन वगैरह दे दीजिएगा और लेटर जो ज्ञापन देना है वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, यूपी एनएचएम 17,000 वाले ग्रुप में भेज दूंगा, जो वेटिंग लिस्ट का बना के रखे हैं वही लेटर आपको प्रिंट आउट करवा के जाना है। और बिल्कुल सख्त तरीके से ओके बोलना है, सीएम सर से रिक्वेस्ट करना है कि देखिए, हम लोग पिछले 1 महीने से परेशान हो रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, डिप्टी सीएम के पास जा रहे हैं, लेकिन हमको कुछ अब तक जानकारी नहीं मिली है कि हमारी बातों को देखिए संज्ञान में लिया ही नहीं जा रहा है, ना ही बताया ही जा रहा है कि हम वेटिंग लिस्ट देंगे या फिर नहीं देंगे। इसलिए आप लोग सीएम से रिक्वेस्ट करना है और ऑन द स्पॉट आपका काम हो जाएगा, अगर एक बार मुलाकात हो गया सीएम सर से बिल्कुल काम हो जाना है, ठीक है। तो आप लोग जो भी गोरखपुर के हैं प्लीज़ चले जाएं। आपके साथी लोग होंगे गोरखपुर के आसपास के लोग, तो उनको ये जानकारी पहुंचा दें कि 6 जुलाई के चले जाएं। वैसे देखिए 250-300 लोग आते हैं, ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, मुलाकात आराम से हो जाएगी। सीएम सर एक एक लोगों से मिलते हैं, लेटर लेते हैं, आप अपनी समस्या को बता देना बिल्कुल, ठीक है, कि ये चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी बातें हो गई हैं, सब कुछ बता देना अब तक जो चीज़ें हो रहा है कि हम लोगों ने कितना मेहनत किया लेकिन हम लोगों को कोई भी चीज़ें देखने को नहीं मिल रहा है पॉजिटिव चीज़ें। कि जो लोग भी जाएंगे कंटिन्यू हमसे बने रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे कैसे क्या चीज़ें करना है वहाँ पे आपको जाके, ठीक है। और हो सकिए इतना हो सकेगा सीएम सर से यही बोल दीजिएगा, सर ऑन द स्पॉट आप कॉल पे बात कर दें, हम लोगों की बात पहुंचा दें, ठीक है, इतना ज़रूर कर दीजिएगा, जैसे हम लोगों ने डिप्टी सीएम बृजेश पाठक सर से करवाया था, ऑन द स्पॉट कॉल करवाया था वहीं पे सामने ही। तो ये चीज़ आप लोगों को करना ही पड़ेगा, सीएम सर से रिक्वेस्ट करना है, हाथ जोड़ना है, पैरों में गिर जाना है, सब कुछ, मतलब अपने वेटिंग लिस्ट के लिए कुछ भी कर देना है अब, ठीक है। वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए हर हाल में कैसे भी, बहुत से लोगों का मैसेज कॉल आ रहा है, परेशान है बिल्कुल वो। सबसे बड़ी बात यह है कि इस भर्ती को लेकर वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, एनम बहन जितनी भी हैं वो बेचारी इसी चक्कर में पड़ी हुई हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, दिन में 1-2 बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर रही हैं, ग्रुप में मैसेज चेक कर रही हैं, शायद कोई नोटिफिकेशन आया, मतलब पूरी मन तरीके से वो लोग स्टडी ही नहीं कर पा रहे हैं, सामने भर्ती आने को है यूपी TSSC से मन नहीं लगा पा रहे, तो ये चीज़ें फ्रस्ट्रेशन वाली बात हो जाती है, तो इसका निपटारा जल्द से जल्द करना ही पड़ेगा। 6 जुलाई को सुबह 6 बजे जो भी गोरखपुर के लोग हैं
ठीक है, मैंने एक और लोगों से पता करने की कोशिश किया, मेरे मित्र हैं वहीं बगल में जहाँ पे गोरखनाथ मंदिर है बगल में ही उनकी शॉप है, ठीक है, दुकान है, तो उनसे भी जानकारी मैंने पता किया, बोला कि देखिए शेड्यूल आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं क्योंकि उनका शेड्यूल नहीं रहता है। अब आपको वो बताए हैं जो कांस्टेबल हैं वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगती है, तो उन लोगों को जानकारी रहती है क्योंकि भैया उनको थोड़ा शासन टाइट करना पड़ता है सिक्योरिटी को लेकर, तो उनको जानकारी रहती है, तो वो झूठ तो नहीं बोलेंगे, बिना जानकारी को तो नहीं बताएंगे, इसलिए आप लोग 6 जुलाई को चले जाएं, ठीक है, यही अनुरोध है आपसे कि 6 जुलाई को आप लोग वहाँ पे चले जाएं, सीएम सर को ज्ञापन दे दें, ठीक है, लेटर का मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, लेटर ग्रुप में भी भेज दूँगा। देखिए यही लेटर रहने वाला है, इसका फॉर्मेट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाथ से भी लिख सकते हैं, इसका प्रिंटआउट मैं ग्रुप में भेज दूंगा, उसका प्रिंटआउट भी निकलवा लेना है, बस यहाँ पे आपको डेट चेंज कर देना है, 3 जुलाई को आप 6 जुलाई बना दीजिए, बाकी सभी चीज़ें रहने वाली है, सब कुछ वैसे ही रहेगा, और जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखा है वही कंटेंट आपको लिखना है, अगर हाथ से बना रहे हैं तो प्रिंटआउट निकलवा रहे हैं तो वो आसानी रहेगा, ठीक है, प्रिंटआउट ही निकलवा लीजिएगा, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और ये शायद आपके पास होगा अभी, ठीक है, बहुत से बहन लोगों ने कल जाके जन सुनवाई पे इन्होंने शिकायत भी दर्ज किया है कि हमारी समस्या है वेटिंग लिस्ट को लेकर, यहाँ पे आप देख सकते हैं UPHM 17,000 वेटिंग लिस्ट क्लियर कराने के हेतु प्रार्थना पत्र जन सुनवाई पे डाला है, आप लोग भी अगर ये चीज़ कर सकते हैं तो करते रहिए, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक करते रहेंगे, ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ रहे होंगे, ठीक है, और इस चीज़ को थोड़ा सीरियस होके काम करेंगे, गोरखपुर वाले विशेषकर जो भी गोरखपुर के हैं आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाएं, आप लोग देखिए लखनऊ नहीं आ सकते हैं, चलिए हमने कहा कोई बात नहीं लखनऊ मत जाइए, लेकिन आपके गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर तो जा सकते हैं, वहाँ जाके आप ये चीज़ें कर लें, ये काम कर लें, ठीक है, और ये काम आपने कर लिया तो 100% आपका जो भी चीज़ें वेटिंग लिस्ट को लेकर ये बात बन जाएगी, इसका निपटारा जल्द से जल्द हो जाएगा, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।